हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिन से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल। सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में 1 मार्च से स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सभी प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास केंद्र तथा कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। इसी तिथि से सिनेमा हॉल तथा पार्क भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस पर सहमति दी गई है। फिलहाल स्कूल कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं को खोलने की अनुमति दी मिली है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल पहले ही खुल रहे हैं। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। वहीं स्कूल बच्चों को बुलाने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा, उनकी उपस्थिति जो है अनिवार्य नहीं की जाएगी। बैठक में 1 अप्रैल से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। आंगनबाड़ी खोलने से पूर्व जो है सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं जो है सहायिका का कोरोना टीकाकरण पूरा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा कदम, सभी जमीनों का जनरेट किया जा रहा है यूनिक आईडी नंबर। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि जमीन विवाद से निजात पाने के लिए भू राजस्व विभाग तेज गति से काम कर रहा है। हर जमीन का एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट किया जा रहा है, इस पर काफी काम हो चुका है। प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय से निकलने के दौरान उन्होंने पत्रकारों से ये बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भू माफिया हेराफेरी कर जमीन लूट रहे हैं। अलग अलग स्तरों पर संज्ञान लेते हुए इस पर नियम जो है समाप्त होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर थाने में 2 स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, जाने सड़क हादसों पर और क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में हो रही सड़क दुर्घटना में अधिकांश मौत अत्यधिक रक्त रिसाव के कारण हो रही है। ऐसे में जो है रक्त रिसाव को रोकने के लिए सभी थानों में मेडिकल किट की व्यवस्था करें। घायल को उठाने के लिए 2 स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। यह व्यवस्था जल्द ही सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दी है। उन्होंने जो है राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सीएम जो है सोरेन ने थाना कर्मियों को जो है फास्ट एड के लिए प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया है ताकि समय रहते घायल का उपचार हो सके। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्ति के खाते में तत्काल प्रोत्साहन राशि निर्गत करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 को ट्रैक्टर रैली में धनबाद से शामिल होंगे 1000 किसान। कृषि कानून के विरोध में अब कांग्रेस आंदोलन तेज करने जा रही है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर सम्मेलन करने के बाद अब पूरा जोर 20 को हजारीबाग में होने वाले किसान सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली पर है। गुरुवार को हाउसिंग कॉलोनी स्थित जो है जिला कार्यालय में ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में तैयारी को लेकर बैठक हुई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में 1000 से अधिक कांग्रेसी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों और बीआरपी सीआरपीएफ के बारे में जानिए। यह खबर, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों तथा जो है बीआरपी सीआरपीएफ को उनके बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण तथा सेवा के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर 22 फरवरी को सहमति मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 22 फरवरी को कल्याण कोष सभागार में बैठक पर इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। बता दें कि पारा शिक्षकों को अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 2 लाख तथा बेटी की शादी के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए शून्य ब्याज पर ऋण लेने का प्रावधान है। पारा शिक्षक की जो है सेवाकाल में मृत्यु होने से उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ने दिया कोरोना जांच व टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की जांच तथा टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 100% कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य हो। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अमिताभ कौशल व विभिन्न विभागों के जो है वरीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट और राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से बाहर आने वाले की कोविड जांच का आदेश दिया है। इस कार्य में एयरपोर्ट को जो है प्रमुखता देने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अविलंब 3 कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार, अन्यथा होगा चक्का जाम। दुमका में किसान आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को सीपीआई और जो है पीसीएम एवं किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से गुरुवार को दुमका रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से अविलंब 3 कृषि कानून को स्थगित करने की मांग की है। इससे पूर्व आदिवासी अधिकार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष हेमरे, किसान सभा के जो है जिला सचिव देवी सिंह पहाड़िया, शंभू मौली, जो है सीटों के अमरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दुमका रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के समीप मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज जेल से छूट सकते हैं लालू। जमानत जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई।
राजा सुप्रमो लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनके परिवार व पार्टी राष्ट्रीय जो है जनता दल के लिए जो है आज अहम दिन है। उनकी जो है जमानत याचिका और जेल मेलमल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। सबकी नज़र लालू की जो है बेल पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वह वकील सिंबल दिल्ली के एम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। लालू यादव के बेल पर उच्च जो है न्यायालय में बहस करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने की कीमत में आई 2930 रुपए की कमी, चांदी भी 4540 रुपए लुढ़का। सोना और चांदी के गहने खरीदारी करने का अच्छा वक्त आ गया है। दोनों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। यह स्थिति काफी लंबे समय के बाद बनी है। ऐसे में जो लोग शादी एवं अन्य कार्यों के लिए गहना खरीदने की सोच रहे थे वे अब खरीदारी कर सकते हैं। बात धनबाद के जेवर बाजार की करें तो गुरुवार को सोने की दर 47,330 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। इसी प्रकार चांदी की दर में भी जो है 4540 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी माह में सोने के भाव की बात करें तो यह धातु इस माह सबसे अधिक 50,260 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रही थी। वर्तमान में इसकी कीमतों में 2930 रुपए कमी आई है। इससे जो है जेवर बाजार ने राहत की सांस ली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिजनों से नाराज नाबालिग पटना से भागकर पहुंचा रांची, आरपीएफ ने पकड़ा। बिहार के पटना से 14 साल का एक नाबालिग घर से भागकर रांची आ गया। स्टेशन के यूटीएस काउंटर के पास भटकता देख आरपीएफ की टीम ने उसे पकड़कर उससे पूछताछ की। इसमें उसने बताया कि वह पटना का रहने वाला है और परिजनों से नाराज होकर भागकर वह आ गया है। नाबालिग के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल उसके चाचा रांची रेलवे स्टेशन से उसे अपने साथ ले गए हैं। वही पश्चिम बंगाल की एक महिला भटककर रांची पहुंच गई थी। उसे जो है आरपीएफ की टीम ने उसके पति को सौंप दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऋण माफी योजना को 17,000 किसान चिन्हित। पाकुड़ जिले में किसान ऋण माफी योजना को धरातल पर लाने के लिए बकायदा तेज कर दी गई है। कृषि विभाग योजना का लाभ लेने के लिए जिले के अब तक 17,000 किसानों को चिन्हित कर चुका है। इस योजना के तहत किसानों का 50,000 तक का जो ऋण माफ होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान जो है संबंधित जो है सीएससी में अपना आधार लिंक कराने में जुट गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को जो है सीएससी में 1 रुपये का टोकन मनी जमा करना पड़ रहा है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जो स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी ने अब तक जो है 5,256 किसानों की सूची जिले को उपलब्ध करा दी है। सूची में शामिल किसानों को जो है सीएससी में जाकर आधार लिंक कराने तथा 1 रुपये का टोकन मनी जमा करने की अपील की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी एग्जाम आवेदकों के लिए अच्छी खबर। उपायुक्त व अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में कार्मिक विभाग द्वारा 25 फरवरी 2019 को जारी पत्र के पूर्व जो है सक्षम पदाधिकारी जैसे अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित जो है प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। आयोग ने बुधवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस के जवान के बड़े भाई का उत्तराखंड में मिला शव। चमोली हादसे में हो गया था लापता। उत्तराखंड के चमोली में विगत 7 फरवरी 2021 को आई प्राकृतिक आपदा के बाद लापता लोहरदगा के 9 मजदूरों में से एक मजदूर का शव गुरुवार को बरामद हुआ है। शव की पहचान लापता मजदूर बिक्की भगत के रूप में हुई है। बिक्की भगत झारखंड पुलिस के जवान विकास भगत का बड़ा भाई था। शव की पहचान और जो है पुष्टि बिक्की भगत के पिता जो है करमदास भगत ने की है। बिक्की का शव मिलने के बाद जो है करमदास भगत सदमे में चले गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।